हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको ज्ञात है, जो हमारा टेंथ सीरीज, टेंथ क्लास में केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमारा अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि सेकंड चैप्टर, आज हमारे सेकंड चैप्टर की सेकंड लास्ट क्लास है। क्लियर? यानी कि कल की क्लास में हम अपना अम्ल, क्षार और लवण पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लवण क्या होते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, लवणों के प्रकार तथा लवण पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो लवण के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्लियर? हेडिंग बनाना है आपको, लवण क्या बनाना है, हेडिंग का हेडिंग बनाएंगे, लवण किसे कहते हैं। ठीक है, लवण यानी कि साल्ट। ठीक है, लवण यानी कि क्या है, साल्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको पीएच पैमाना बताया था, तो पीएच स्केल के अनुसार लवण वो होते हैं जो जिनका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, यानी कि जो ना तो अम्ल होते हैं और ना ही क्षार होते हैं। क्लियर? वो क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। लिख लेना भाई, इनका पीएच मान क्या बेटा, इनका पीएच मान, सबसे पहले तो आप यही लिख लो, इनका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। क्लियर? इनका पीएच मान क्या होता है बेटा, 7 होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, लवण कहलाते हैं। ना तो इनका पीएच मान 7 से कम होता है, ना ही 7 से अधिक होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहलाते हैं, अम्ल, सॉरी लवण कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी, परिभाषा देखें क्या लिखी जाएगी, किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर, किसी किसी अम्ल, किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर, अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर, किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर क्या लवण प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, लवण प्राप्त होते हैं, और अम्ल तथा क्षारों की ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण प्राप्त होते हैं, लवण प्राप्त होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उदासीनीकरण, क्या बेटा, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण की अभिक्रिया के दौरान। क्लियर? उदासीनीकरण दूसरी परिभाषा क्या है, उदासीनीकरण क्या लिखेंगे, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान, के पश्चात लिखेंगे, के पश्चात क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। क्लियर? लवण बनते हैं। ठीक है बेटा, क्या बनेंगे, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के पश्चात क्या बनते हैं, लवण बनते हैं, यानी कि जिस अभिक्रिया में लवण बनते हैं, वह अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि कोई भी अम्ल ले लें, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने, ठीक है, किसके साथ, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ। ठीक है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ हमने लिया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेने पर ये NaCl बना, क्या बना, NaCl बना। तो ये NaCl जो बना है, NaCl प्लस H2O, ठीक है, NaCl प्लस H2O, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम
क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड ही क्या कहलाता है, साल्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ये तो रिएक्शन आप बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनते हैं, लवण बनते हैं। अब लवण आप ये ना समझे कि नमक जो होता है वो साल्ट होता है, साल्ट तो होता है लेकिन सभी साल्ट नमक नहीं होते, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ठीक है, ये लवण कहलाते हैं। लवण का पीएच मान 7 होता है, ना तो ना ही वो अम्ल होते हैं ना ही क्षार होते हैं, यानी कि पीएच मान कितना होगा, 7 होता है। और अम्ल और क्षार के मिलने पर क्या बनता है, लवण प्राप्त होता है। अम्ल तथा क्षार के पश्चात क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम हेडिंग बनाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, लवणों का वर्गीकरण। ठीक बेटा, लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, ठीक है, मिश्रित तथा द्विक लवण। ठीक, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। हेडिंग बनाना है आपको क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, यानी कि अम्लों का वर्गीकरण, अम्लों का, अम्लों का वर्गीकरण बेटा, अम्लों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लियर, अम्लों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, क्लियर, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। अम्लों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये निम्न 6 प्रकार के होते हैं, लिखें बेटा, अम्ल अम्ल सॉरी लवण, अम्ल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लवण डालना है। ठीक है, लवणों का वर्गीकरण, लवणों का वर्गीकरण। ठीक है, अम्लों का नहीं, लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। तो हम क्या लिखेंगे भाई, लवण क्या है, लवण लवणों का वर्गीकरण। ठीक है, लवणों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है बेटा, लवणों को, लवणों को निम्न प्रकार, निम्न प्रकार वर्गीकृत, वर्गीकृत किया गया है, निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, लवणों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे सामान्य लवण। ठीक है, सामान्य लवण, सामान्य लवण, फर्स्ट हेडिंग बनाना है आपको। फर्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, सामान्य लवण। फर्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे सामान्य लवण, जनरल साल्ट, सामान्य, सामान्य लवण क्या है, सामान्य लवण यानी कि जनरल देते हैं। ठीक है, वे लवण जो H+ आयन तथा OH- आयन नहीं देते हैं, इन्हें हम नॉर्मल साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल साल्ट भी कहते हैं बेटा, नॉर्मल साल्ट भी कहते हैं। क्या लिखेंगे, वे लवण, वे लवण, वे लवण जो H+ तथा OH-, यह देखो H+ या OH- आयन नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा, सामान्य लवण कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं, क्लियर, सामान लवण कहलाते हैं। वे लवण जो H+ या OH- आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, सामान लवण कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, एग्जाम्पल लिखेंगे
एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ईटीसी, ठीक है, ईटीसी, ये सब क्या है हमारे, एक सामान्य लवण है। इनमें जब हम इनको तोड़ेंगे तो तोड़ने पर क्या होता है, जब हम विस्थापन करेंगे, जब NaCl को हम विस्थापित करेंगे तो Na+ और Cl- देगा बेटा, ठीक है। ना ही इसने H+ दिया और ना ही क्या दिया, OH- आयन दिया, ठीक है। तो वे लवण जो H+ या OH- आयन नहीं देते हैं क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण या नॉर्मल लवण कहलाते हैं। क्लियर, सामान्य लवण या नॉर्मल लवण कहलाते हैं। सेकेंड हेडिंग बनाएंगे अम्लीय लवण, सेकेंड हेडिंग बनाएंगे यहां बेटा अम्लीय लवण, यानी कि अम्लीय अम्लीय लवण क्या होते हैं, अम्लीय लवण, एसिडिक 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 साल्ट बेटा, क्या है, एसिडिक साल्ट क्या होते हैं, अम्लीय लवण क्या होते हैं, अम्ली क्या होते हैं बेटा, जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से अम्लीय लवण में क्या होंगे, वे लवण जो विस्थापन पर या H+ आयन देते हैं, क्या लिखेंगे परिभाषा, वे लवण जो जो विस्थापन पर क्या बेटा, विस्थापन पर क्या देते हैं, विस्थापन पर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, वे लवण जो विस्थापन पर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, एसिडिक यानी कि अम्लीय लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्लीय अम्लीय लवण कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। फिर से देखेंगे, वे लवण जो विस्थापन पर यानी कि विस्थापनीय करने पर या घोलने पर क्या दे दें, H+ आयन दे दें, क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं, कौन से, अम्लीय लवण कहलाते हैं। क्लियर, कौन से लवण कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सोडियम बाइसल्फेट, एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट कॉमा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ये कौन से लवण हैं बताइए, कौन से लवण हैं, अम्लीय लवण हैं। क्यों अम्लीय लवण हैं, जैसे कि हमने NaHSO4 को तोड़ा, NaHSO4 को तोड़ेंगे तो क्या देंगे, ये बताइए क्या देंगे, H+ आयन देते हैं, क्या देंगे बेटा, H+ आयन देते हैं, ठीक है, H+ आयन, यानी कि ये क्या है, इसमें H+ आयन है, ठीक है। जिनमें H+ आयन उपस्थित होते हैं वो क्या देते हैं, कौन से लवण कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं, ठीक है, कौन से लवण कहलाएंगे, अम्लीय लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट बन डालना है आपको क्षारीय लवण, नंबर 3 बनाएंगे आप क्षारीय लवण, ठीक है बेटा, क्षारीय लवण, क्लियर, नंबर 3 हेडिंग लाना है हमें क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होते हैं, वो लवण जिनके पास यानी कि जो विस्थापनीय करने पर क्या दे दें, विस्थापनीय पर OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। नंबर 3 हेडिंग बनाना है क्षारीय लवण बेटा, क्या बनाना है, क्षारीय क्षारीय लवण, ठीक, क्षारीय लवण यानी कि बेसिक साल्ट, क्या है, बेसिक साल्ट, क्षारीय लवण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेसिक साल्ट बोलते हैं बेटा, बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट कौन से होते हैं बताइए, जिनमें बेस कौन से होते हैं, क्षार कौन से होते हैं, जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। सेम इसी प्रकार से डेफिनेशन लिखेंगे, वे लवण जो विस्थापनीय पर क्या बेटा, विस्थापनीय पर क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। क्लियर, क्षारीय लवण कहलाते हैं, क्षारीय लवण क्या, क्षारीय लवण कहलाते हैं, ठीक है भाई।
बे लवण जो विस्थापनीय पर OH माइनस आयन देते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं, जैसे एग्जाम्पल MgOH, ZN एग्जाम्पल देखेंगे MgOH, MgOHCl, ठीक है, ZnOH, Br या Cl कुछ भी हो सकता है भाई, MgOH, MgOHCl, ZnOHBr या Cl कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे Cl भी लगा सकते हैं और Br भी लगा सकते हैं। इनमें क्या है, OH है दे रखे हैं भाई, तो ये विस्थापनीय पर क्या देंगे, OH माइनस आयन, ठीक है, ये क्या है, ये OH आयन है, ठीक है, क्या है, OH आयन है, तो ये जो क्या कहलाएंगे, क्षारीय लवण कहलाते हैं, क्लियर, क्या कहलाते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट हम डालेंगे, नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट जो हमें डालना है क्या है, क्या है, मिश्रित लवण, यानी कि मिक्स्ड साल्ट, क्लियर, चौथा पॉइंट क्या है, मिश्रित, मिश्रित लवण बेटा, क्या है, मिश्रित लवण, ठीक है, मिश्रित लवण यानी कि मिक्स्ड मिक्स्ड साल्ट, ठीक है, मिक्स्ड साल्ट क्या होते हैं, जो H प्लस भी दें और जो OH माइनस भी दें, ठीक, मिश्रित लवण में क्या लिखेंगे, बे लवण जिनके पास एक से अधिक धनायन तथा ऋणायन उपस्थित हो, ठीक है बेटा, धनायन यानी कि ये तथा धनायन तथा ऋणायन, क्या है बेटा, ऋण आयन उपस्थित हो, क्लियर, क्या हो, उपस्थित प्रेजेंट हो, क्या हो, प्रेजेंट लिख लो, प्रेजेंट हो क्या कहलाते हैं मिश्रित लवण कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाएंगे, मिश्रित लवण कहलाते हैं क्लियर, क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। बे लवण जिनके पास एक से अधिक धनायन और ऋणायन उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, एग्जाम्पल लिख लीजिए सोडियम पोटेशियम सल्फेट NaKSO4, ठीक है, NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि दूसरा क्या है, CaOCl, ठीक है, ये क्या है हमारा, दोनों ही क्या है, ये मिक्स्ड यानी कि मिश्रित लवण है, ठीक है भाई, दोनों क्या है, मिश्रित लवण है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्षारीय लवण और मिश्रित लवण का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट हम डालने वाले हैं द्विक लवण, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, द्विक लवण कैसे कहते हैं, डबल साल्ट, क्लियर, डबल साल्ट, द्विक लवण, क्लियर बेटा, क्या डालने वाले हैं, द्विक लवण, ठीक है, डबल साल्ट। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स अवश्य करते रहिए, कि कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में उसमें लिखते रहिए, जिससे कि मैं आपका डाउट्स क्लियर कर सकूं, और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, ठीक है भाई। हेडिंग बनाना है आपको नंबर 5, क्या बनाना है आपको, डबल साल्ट यानी कि द्विक लवण, क्या बनाना है, द्विक लवण, क्या है, द्विक लवण, डबल साल्ट बेटा, क्या पढ़ना है भाई, डबल साल्ट, क्लियर, क्या पढ़ेंगे, डबल साल्ट, ठीक है, डबल साल्ट क्या होते हैं, आप ये समझ लीजिए भाई, डबल साल्ट कहते किसे हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक कौन से, साधारण लवण आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, डबल साल्ट, साधारण लवण आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, डबल साल्ट बनाएंगे, देखें, दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक साधारण लवण, साधारण लवण ठीक है, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर जिस लवण का निर्माण करते हैं, जिस लवण का निर्माण करते हैं, जिस लवण का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, द्विक लवण यानी कि डबल साल्ट कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं डायरेक्ट रिएक्शन करके दिखा रहा हूं आपको, डायरेक्टली रिएक्शन करके दिखाने वाले भाई। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O, इनको हमने आपस में मिलाया, ठीक है, तो क्या बना, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, इंटू 24H2O, ठीक है, 24H2O, इनके नाम क्या है देख लीजिए भाई, ये हमारा पोटेशियम सल्फेट क्या है बेटा, पोटेशियम सल्फेट है, सिंपल साधारण लवण है, क्या है, साधारण लवण है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है और ये जल है, तो ये जो बना हमारा, ये बना फिट करी, ठीक है, पोटास एलम फिट करी बना, और जो क्या है, डबल साल्ट है, जो कि क्या है हमारे पास, डबल साल्ट, फिर से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के, 10th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्विक लवण एग्जाम में पूछा जाता है, डबल साल्ट पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है, यानी कि दो या दो से अधिक साधारण लवण आपस में मिलकर जिस लवण का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डबल साल्ट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, डबल साल्ट कहलाते हैं। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट है हमारा एक साधारण लवण है, एल्यूमिनियम सल्फेट है एक साधारण लवण है, और क्या हमने H2O ले लिया, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना, डबल साल्ट बना, फिटकरी बना, पोटास एलम, क्या होता है इसका नाम, पोटास एलम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे संकर लवण, ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक, रफ कर लें, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। नेक्स्ट डालना है आपको कोऑर्डिनेट, बहुत सारे नाम है इसके, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है, जटिल संकर लवण या कॉम्प्लेक्स साल्ट, हेडिंग बनाना है आपको, नंबर सिक्स क्या है, संकर लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट, बे लवण जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कोई भी उदासीन धनावेशित या ऋणावेशित जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। देखिए, बे लवण जिनमें
मेटल एटम से कोई भी मेटल एटम से कोई भी उदासीन धनावेशित ठीक है कोऑर्डिनेट यानी कि उप सहे संयोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स यानी कि शंकर लिख सकते हैं इसको हम शंकर ठीक है कॉम्प्लेक्स यानी कि शंकर भी लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स शंकर भी लिख सकते हैं जटिल भी लिख सकते हैं लवण का कॉम्प्लेक्स एक यौगिक का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं ठीक है क्या कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं एग्जाम्पल देखेंगे FeCN का 6 ठीक है ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है क्या है कॉम्प्लेक्स साल्ट है क्या है बेटा कॉम्प्लेक्स साल्ट है इसके आगे आप Na3 जोड़ दें या फिर K4Fe H2O का होल 6 ये भी हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स आयन है क्या है कॉम्प्लेक्स साल्ट है ये क्या है कॉम्प्लेक्स साल्ट यानी कि संकर लवण है क्लियर तो आज की क्लास में बस इतना ही बाकी कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे यानी कि सेकंड चैप्टर का फुल एंड फाइनल करने के लिए कल शाम मिलते हैं हम 8:30 बजे क्लियर यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिख के बताएं कि क्लास कैसी लगी साथ ही साथ आप शेयर करना ना भूलें ठीक है बाकी खुश रहिए मस्त रहिए पढ़ते रहिए थैंक यू वेरी मच